देखिए एलजी साहब से तो जनरली बात ये हुई, तारीगामी साहब फारूक साहब ने तो जो कश्मीरी पंडित जो यहाँ है जो हलाकत हुई है उसके ऊपर अफसोस जाहिर किया, और साथ ही में कि उनको किस तरह यहाँ महफूज रखा जाए उसके लिए कौन से इकदाम उठाने की ज़रूरत है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और फारूक साहब ने कश्मीर फाइल्स के बारे में भी जिक्र किया कि ये बहुत गलत है, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इससे नफ़रतें बढ़ती हैं। तो मैंने तो थोड़ा सा एलजी साहब को ये बताया कि ये इस वक्त खाली कश्मीरी पंडित जो हमारा राहुल भट्ट मारा गया ये उसकी बात नहीं है, ये जो जनरल माहौल आपने जम्मू कश्मीर में बनाया हुआ है पकड़ दकड़ का, कोई बात करता है, कोई जर्नलिस्ट बात करता है उसको जेल में डाल देते हो, कल ही उन्होंने कोई 82 लोग जो हैं दूसरे जेलों में ट्रांसफ़र किए अंडर ट्रायल्स, बेचारे गरीब हैं उनके घर वाले वो कहाँ जाएंगे, उनको वहाँ कोर्ट केस लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो वहाँ जा सके। इसी तरह रोज़ रोज़ मुलाजमों को बरतरफ करना, तो मैंने कहा इससे तो माहौल सुधरेगा नहीं बल्कि माहौल बिगड़ेगा। जितनी भी मेहनत हम जमातों ने की थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम हैं या कांग्रेस है, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके एक अच्छा माहौल बनाने की, जिसमें कश्मीरी पंडित धीरे धीरे अपने आप को सिक्योर महसूस करते थे, मगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पिछले 4-5 साल से पॉलिसी यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ के लोगों के दिल में इतना गुस्सा है, इतना डर है और खौफ भी साथ में है, जिसकी वजह से आपस में दूरियाँ बढ़ रही हैं। जब तक मैंने गवर्नर साहब से कहा जब तक आप जो वाजपेयी जी का पन्ना नहीं खोलेंगे वो किताब का जिसमें उन्होंने इंसानियत की बात की थी और जम्मू कश्मीर को इंसानियत के दायरे में डील करने की बात की थी, रीच आउट करने की बात की थी, तब तक अनफॉर्चुनेटली राहुल भट्ट जैसे जो हमारे बच्चे हैं हमसे बिछड़ते जाएंगे। इसलिए आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और उसी से जम्मू कश्मीर का जो जो मसला है, जो यहाँ की मुसीबतें हैं, उसका कुछ हो सकता है। ये मैंने उनको तफसील से बात बता दी। मैंने कहा कि हमारा जम्मू कश्मीर वाहिद एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हमने ये सोच के हाथ मिलाया था इस मुल्क से कि हमें अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, मगर जो हमारे साथ हो रहा है उसमें हम लोगों का दम घुटता है। यहाँ पूरा जो है दबाव करके रखा हुआ है, किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है। मैं जाना चाहती थी राहुल भट्ट के वहाँ जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ जाना चाहती थी, मुझे वहाँ जाने नहीं दिया गया। इससे पहले हरमैन शुपियन में एक कश्मीरी पंडित उस पर अटैक हुआ था, उसके घर जाना चाहती थी वहाँ, तो कहीं हमें जाने नहीं, हमें तो गम में भी शरीक होने की इजाज़त नहीं है, खुशियों की तो बात बहुत दूर की है। तो मैंने ये ऑल जो ओवरऑल जो है उसके बारे में मैंने बात की उनसे कि ये खाली एक कश्मीरी पंडित जो हमारा, और कश्मीरी पंडित हमारे जिस्म का हिस्सा है। देखिए जो लखनपुर से वहाँ है उनको दर्द होने में टाइम लगेगा, मगर हम जानते हैं कि कश्मीरी पंडित हमारे लिए क्या माने रखते हैं। मैं जानती हूँ और मैंने सुना ये राहुल भट्ट कितना अच्छा लड़का था, कितना अच्छा ये सबके साथ इसका व्यवहार कितना अच्छा था, मगर चढ़ गए ये बीजेपी के, ये जो नफ़रत वो फैलाते हैं, ये जो उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की है पिछले 3-4 साल से उसकी भेंट चढ़ गया ये, और अभी भी इन इंसिडेंट्स को वो पूरे मुल्क में इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के खिलाफ और नफरत फैलाने में, और उनका कोई मकसद नहीं है। अदरवाइज़ मेरे वक्त में 2016 में जब यहाँ अनरेस्ट था, या उमर साहब के वक्त में जब 2010 में अनरेस्ट था, किसी कश्मीरी पंडित को नहीं मारा गया, बल्कि मैंने 1.5 साल कश्मीरी पंडितों को अपने घर में बैठ के उनको तनख्वाही दी। हमने कहा अगर आपको आप सेफ फील नहीं करते हो अभी, आप बैठिए जहाँ बैठना चाहिए, हम आपको तनख्वाह दे देंगे। तो इस किस्म के इकदाम हमने अपने वक्त में किए हैं, आज हमें समझ नहीं आता है, ये तो चिल्लाते रहते हैं देख रहा है वो तो रूफ टॉप्स के, हमने कश्मीरी पंडितों के लिए ये करना है वो करना है, 370 हमने ख़त्म किया ये किया, मगर नीचे मिला क्या, यहाँ के लोगों को क्या मिला, कश्मीरी पंडित को क्या मिला, बल्कि उसकी जान तो जोखिम में पड़ गई तब से आज तक।